हेलो कॉन्ग्रेट फैमिली। सो वेयर एम आर फातिमा, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर एम कॉम सेमेस्टर फर्स्ट का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है एंड जो स्ट्रैटेजी होती है उसको किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है देन उसमें हमने स्ट्रैटेजी पढ़ा था कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को समझने से पहले ये चीज समझना जरूरी है कि स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो स्ट्रैटेजी पढ़ा, उसका जो प्रोसेस होता है तो उसके प्रोसेस में जो स्टेप होते हैं उसमें आता है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, ठीक है। किस तरीके से फॉर्मुलेट होती है स्ट्रैटेजी उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड एन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पर आपको गिवन है बिजनेस डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टू सेट ऑफ फैक्टर्स नोन एज इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर। सो देखो स्ट्रैटेजी क्या होती है, बिजनेस स्ट्रैटेजी जो होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो बिजनेस डिसीजंस जो होते हैं यहाँ पर, तो बिजनेस डिसीजन मतलब कि बिजनेस जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, ठीक है, वो डिसीजन तो लिया जा रहा है पहले प्लानिंग की फिर डिसाइड कर रहे हैं, तो वो डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड होते हैं दो फैक्टर से। अब वो दो फैक्टर क्या होते हैं, वो होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। फर्स्ट रहता है इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड सेकेंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। इन्वायरमेंट मतलब कि इंटरनल का मतलब है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो इन्वायरमेंट है एंड एक्सटर्नल का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का जो इन्वायरमेंट है। देयरफॉर दीज टू फैक्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एनी बिजनेस सो फॉर इट्स डिसीजन आर कंसर्न। देखो यहाँ पर यही बोला है कि जो बिजनेस है वो अपने जो भी डिसीजन ले रही है उसमें ये दोनों ही फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। द इंटरनल फैक्टर आर ऑल्सो नोन एज कंट्रोलेबल फैक्टर एंड दे कैन बी मैनेज एंड कंट्रोल बाय बिजनेस एज पर इट्स नीड नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पर क्या बोला है, जैसे अभी हमने बोला कि कोई भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो कंट्रोलेबल होता है। क्यों? क्योंकि जो भी इंटरनली उसमें जो भी ऑपरेशन जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर जो है उनको हम कंट्रोलेबल फैक्टर भी बोलते हैं एंड उनको मैनेज और कंट्रोल किया जाता है बिजनेस के द्वारा, ठीक है। एंड जब भी किसी भी चीज को कंट्रोल करने की जरूरत होती है तो वहां पर कंट्रोल किया जाता है। अगर आपने मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो मैनेजमेंट के जो आपके फंक्शंस होते हैं, ठीक है, तो पहला आपका स्टार्ट होता है प्लानिंग से, ठीक है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड लास्ट जो होता है वो होता है कंट्रोलिंग, ठीक है। तो कंट्रोलिंग जो है वो क्या है, एक फंक्शन है एंड जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको जहां पर लगता है कि यहाँ पर हमें इस चीज को कंट्रोल करना है देन वो उसको कंट्रोल कर सकती है अगर वो इंटरनल है, ठीक है। एक्सटर्नल जो होते हैं वो कंट्रोल में नहीं होते। सो दीज फैक्टर आर बींग रेसाइडेड विद द कंपनी प्रेमिसेस आर नोन एज इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर कौन से होते हैं, जो कंपनी प्रेमिसेस के साथ होते हैं, ठीक है, मतलब कंपनी प्रेमिसेस के अंदर होते हैं। एंड एक्सटर्नल फैक्टर आर एज रेसाइडिंग आउटसाइड ऑफ द बिजनेस इज नॉट कंट्रोलेबल। सो यहाँ पर क्या बोला है कि जो बाहर वाले होते हैं, बाहर के मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है यानी कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का इन्वायरमेंट हो गया एंड उसको कोई भी एक पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। सो एक्सटर्नल इंटरनल समझ में आ गया, इंटरनल फैक्टर कौन से होते हैं एंड एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है, इट इज सैड दैट बिजनेस कैन नॉट लिव एग्जिस्ट सर्वाइव इन इट्स आइसोलेशन। आइसोलेशन में कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता, नहीं रह सकता, ठीक है। इट नीड सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग। इसकी सराउंडिंग से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी एक जगह पे लोकेटेड है तो उस जगह से उसको कोई भी रिसोर्सेज नहीं चाहिए होंगे या उस सोसाइटी से उसको कोई मतलब नहीं होगा। सो ऐसा नहीं होता है, जहाँ पर वो बिजनेस है
सेटअप है उसका, जहाँ पर बिजनेस प्रैमिसेस है, जहाँ पर बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे हैं, सो उसकी जो भी सराउंडिंग्स है, जो भी इन्वायरमेंट है, उससे उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, ठीक है। दैट सराउंडिंग फैक्टर अराउंड द बिजनेस इज नोन एज एनवायरमेंट। अब देखो एनवायरमेंट बहुत छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा क्या होता है, अवर सराउंडिंग्स, ठीक है। सिंपल सा मीनिंग होता है एनवायरमेंट का कि हमारी सराउंडिंग्स जो है जिसमें हम रहते हैं वो एनवायरमेंट कहलाता है। तो जिस सराउंडिंग्स में बिजनेस सर्वाइव करता है वो फैक्टर जो होते हैं वो बिजनेस का एनवायरमेंट कहलाते हैं, ठीक है। इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग, बट इट सपोर्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स इज एसेंशियल फॉर बिजनेस स्मूथ फंक्शनिंग। अब जो इन्वायरमेंट है वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लिविंग ही होगा या नॉन लिविंग ही होगा। जैसे मान लो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो जिस जगह पर ये लोकेटेड है इसको यहाँ से एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयज की जरूरत है तो ये यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होगा। इट मीन्स कि इसको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, लिविंग चाहिए, ठीक है। अब मान लो इसको किसी वैसे रिसोर्स की, मटेरियल की जरूरत है, जैसे यहाँ पर जहाँ पर ये बिजनेस लोकेटेड है, अगर ये कॉटन इंडस्ट्री है तो यहाँ पर अगर कॉटन उगाई जाती है, ठीक है, तो इसको ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग हो गई। तो किसी भी तरीके का सपोर्ट हो सकती है वो, ठीक है। एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एसेंशियल होता है बिजनेस को स्मूथली फंक्शन करने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है, बिजनेस में जो भी काम हो रहा है उसके लिए। अ बिजनेस एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ एनवायरमेंट नोन एज इंटरनल एनवायरमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जैसे अभी हमने देखा कि दो फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। तो जो इंटरनली अफेक्ट करते हैं उनको इंटरनल एनवायरमेंट में रखते हैं, और जो एक्सटर्नली अफेक्ट करते हैं फैक्टर उनको एक्सटर्नल एनवायरमेंट में रखते हैं। सो दो तरीके के फैक्टर होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, एंड ये इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं कि बिजनेस एनवायरमेंट जो है उसकी क्या डेफिनेशन है। एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस मीन्स एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड अफेक्ट इट। एनवायरमेंट जो किसी भी बिजनेस को उसके सारे फैक्टर, एनवायरमेंट जो है उसके सारे ही फैक्टर, उसके सारी कंडीशन, इवेंट जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करें या फिर अफेक्ट करें, ठीक है, वो बिजनेस एनवायरमेंट कहलाता है। जैसे ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो कोई एक लिविंग है, मिस्टर ए, ठीक है, तो उस लिविंग के लिए ये एनवायरमेंट बोला जाएगा कि भाई जहां पर ये है उसके आसपास की जो चीजें हैं वो उसका एनवायरमेंट है, ठीक है। अब वो लिविंग ना होके नॉन लिविंग है, मान लो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्या कहलाएगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो सराउंडिंग्स है, मतलब कोई भी कंपनी है, ए बी लिमिटेड कंपनी है, तो उसकी जो सराउंडिंग्स है वो उसका एनवायरमेंट हो गया, ठीक है। जैसे किसी भी इंडिविजुअल का या पर्सन का अगर एनवायरमेंट होता है तो उसको सिंपली एनवायरमेंट बोलते हैं, बट अगर किसी बिजनेस का एनवायरमेंट है तो वो बिजनेस एनवायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये है, ठीक है, अब इसके आसपास जो भी फैक्टर हैं तो वो इसको किसी भी तरीके से अगर इफेक्ट करते हैं तो वो वहां पर बिजनेस एनवायरमेंट कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर इनको एम्प्लॉयज की जरूरत थी, बट इनकी जो सराउंडिंग्स है उसमें ऐसे कोई एम्प्लॉयज है ही नहीं जिनको इनकी जरूरत थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो इनको एम्प्लॉयज चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं मिले, ठीक है, तो सराउंडिंग से इफेक्ट पड़ा, ठीक। तो ये क्या हुआ, इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि बिजनेस एनवायरमेंट का यहाँ पर फैक्टर आ गया, ठीक है। तो एनवायरमेंट क्या होता है एंड बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है समझ में आ गया। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। तो फीचर्स क्या होते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज एनवायरमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। एनवायरमेंट जो होता है वो डायनेमिक होता है, ठीक है। बिजनेस एनवायरमेंट जो होता है वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब कि वो चेंज होता रहता है, ठीक है, बहुत स्पीडी होता है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि जो बिजनेस एनवायरमेंट का नेचर है वो डायनेमिक है। एंड सेकेंड वन इज इट हैज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। अभी जैसे हमने देखा कि अगर हम ये केस रखते हैं कि एम्प्लॉयज की जरूरत है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, बट वहां पर एम्प्लॉयज जिस क्वालिफिकेशन के, जिस स्किल्स के उनको चाहिए वो वहां पर नहीं है, तो इससे क्या हुआ, इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, सराउंडिंग से इम्पैक्ट पड़ा। अब वो डायरेक्टली भी पड़ सकता है इम्पैक्ट, या इनडायरेक्टली भी पड़ सकता है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस एनवायरमेंट से।
एंड देन थर्ड वन इज इट हैज टू टाइप ऑफ फैक्टर. फैक्टर अभी जैसे हमने देखा, फर्स्ट वन वॉज इंटरनल फैक्टर, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरमेंट होता है, ठीक है. एंड सेकेंड वन वॉज एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है. दो टाइप के फैक्टर होते हैं इसमें, इंटरनल और एक्सटर्नल. एंड इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इंटरनल फैक्टर जो है वो कंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं, एंड एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं. एंड फोर्थ वन इज इट इज नॉट सेपरेटेबल फ्रॉम बिजनेस. बिजनेस एनवायरमेंट को हम बिजनेस से अलग नहीं कर सकते, ठीक है, सेपरेट नहीं कर सकते. एंड इन फिफ्थ वन इज इम्पेक्ट ऑन बिजनेस डिसीजंस. देखो, स्ट्रैटेजी का हमने पढ़ा था, ठीक है. स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी का मतलब यही है कि प्लान करना, ठीक है, एंड उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, कोई भी पॉलिसी बनाना, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाना, ठीक है. तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में यही होता है कि फ्यूचर डिसीजंस जो है उनको लेने के लिए कोई प्लान तैयार किया जाए एंड देन उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है. तो वो एक तरीके से पॉलिसी हो जाती है भाई कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है उनको इस तरीके से वर्क करना है, इस चीज को फॉलो करना है, ठीक है. तो बिजनेस डिसीजंस पर बिजनेस एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इंटरनल एनवायरमेंट का भी और एक्सटर्नल एनवायरमेंट का भी. सो ये फीचर्स हो जाएंगे कुछ बिजनेस एनवायरमेंट के. एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. बिजनेस एनवायरमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे अभी हम पढ़ते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है. देयर आर टू मेजर पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट नोन एज. दो मेजर वाले हमने पढ़े, ठीक है, हेड जो है इंटरनल और एक्सटर्नल. अब द एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स नोन एज माइक्रो कंपोनेंट और मैक्रो कंपोनेंट. अभी हमने ब्रॉडली देखा, ठीक है, कि मेजर पार्ट्स जो है वो है इंटरनल एंड दूसरा है एक्सटर्नल, ठीक है. अब इंटरनल तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का आ गया, बट जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल का मतलब बहुत ज्यादा वाइड हो गया, ठीक है. तो एक्सटर्नल में यहाँ पर दो टाइप हैं, ठीक है, दो पार्ट्स में एक्सटर्नल को डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट है माइक्रो एंड सेकंड है मैक्रो. अब माइक्रो और मैक्रो क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं यहाँ पर. अब देखो कंपोनेंट्स आपको गिवन है, टेबल से समझ में आ जाएगा अच्छे से. इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है. इंटरनल एनवायरमेंट में क्या आ जाता है, वैल्यू सिस्टम हो गया कि भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या वैल्यू सिस्टम है, क्या मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्लान्स एंड पॉलिसीज. हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग अलग होती है, तो प्लान्स पॉलिसीज उनके हिसाब से डिसाइड होते हैं, उन्हीं के हिसाब से कंट्रोल होते हैं, ठीक है. एंड ह्यूमन रिसोर्स हो गया, फिजिकल रिसोर्स हो गया. ह्यूमन रिसोर्स में इंप्लॉयज आ जाएंगे, ठीक है. अब वो चाहे किसी भी लेवल पर वर्क कर रहे हो, वो सारा ह्यूमन रिसोर्स में आएगा. एंड फाइनेंशियल या फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज में आपका आ जाएगा जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जैसे मशीनरी हो गई, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, ठीक है. इस तरीके की जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम फिजिकल रिसोर्सेज बोलते हैं. फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया, ठीक है, एंड लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप हो गया. तो ये चीजें जो है ये इंटरनल एनवायरनमेंट में आएंगे. अगर आप इन सारी चीजों को देखोगे तो ये सारी कहां रिलेट करती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है. एंड दूसरी चीज हमारे पास है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो पार्ट्स में यहां डिवाइड है, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो में क्या आता है, देखो एक्सटर्नल मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का, ठीक है. अब माइक्रो में कस्टमर आ जाएंगे, कॉम्पिटिटर आ जाएंगे, सप्लायर आ जाएंगे एंड मार्केट इंटरमीडियरीज. मतलब ये जो चीजें होती हैं माइक्रो में वो लिंक है बिजनेस से, ठीक है. कस्टमर रेगुलर है, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, मार्केट इंटरमीडियरीज, कि भाई किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कस्टमर होते हैं, ठीक है. जैसे मान लो कोई भी एक कंपनी है, ए बी लिमिटेड कंपनी, ठीक है. अब इसके 100 कस्टमर्स हैं, ठीक है. तो वो पर्टिकुलर 100 कस्टमर अगर इससे खरीदते हैं तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के माइक्रो में आ जाएंगे, क्योंकि जो कस्टमर है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर रहे हैं, बट वो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, इसलिए वो इंटरनल में नहीं आएंगे, ठीक है. इसी तरीके से सप्लायर या कॉम्पिटिटर हो जाएंगे. एंड अगर मैक्रो की बात करें, मैक्रो का मतलब पूरे
लेवल पे, बड़े लेवल पे हम देखते हैं, ठीक है। मैक्रो में डेमोग्राफिक आ जाएगा, ठीक है, एंड इकोनॉमिक आ जाएगा, नेचुरल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। अब ये फैक्टर क्या होते हैं भाई? टेक्नोलॉजिकल मतलब कि जैसे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास जो मशीनरी थी, ठीक है, अब वो मशीनरी आउटडेटेड हो गई है, नई जो मशीनरी आई है उसमें और बहुत सारे फीचर्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की वजह से, एक्सटर्नल एनवायरमेंट की वजह से बिजनेस पर इफेक्ट पड़ा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये सारे मैक्रो के हो जाएंगे। सो आई होप समझ में आ गए होंगे बिजनेस एनवायरमेंट किस तरीके से डिवाइड होता है एंड क्या चीजें आती हैं हमारी इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरमेंट में, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर इंटरनल एनवायरमेंट क्या होता है, ठीक है। डिटेल में पढ़ते हैं इंटरनल एनवायरमेंट। इंटरनल एनवायरमेंट फैक्टर आर दीज विच रिसाइड विद इन कंपनी प्रेमिसेस एंड आर इजीली एडजस्टेबल एंड कंट्रोलेबल। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, ठीक है, बिजनेस प्रैमिसेस के अंदर होते हैं और इजीली जिनको एडजस्ट और कंट्रोल किया जा सकता है, वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि भाई इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या चीजें आ रही हैं, प्लान्स, पॉलिसी हो गई, ठीक है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर फर्म है, वो अपने अकॉर्डिंग अपने फर्म को देखते हुए उसको जो फ्यूचर प्लान्स लेने हैं वो अपने हिसाब से उस पॉलिसी को बनाएगी एंड जब वो स्टार्ट होगी, ठीक है, तो उस हिसाब से ही वही अपने प्लान के हिसाब से उसको कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो ये चीजें होती है इंटरनल एनवायरमेंट में जिसको बिजनेस इजीली कंट्रोल कर सके। कंपनी एज पर इट्स नेसेसिटी एंड रिक्वायरमेंट मोल्ड्स इट एंड टेक एप्रोप्रिएट सपोर्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स सो दैट बिजनेस एक्टिविटी कैन रन सेफली एंड स्मूथली सेफली, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है, जो कंपनी होती है वो अपनी नेसेसिटी और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि उसको जिस चीज की जरूरत है उस हिसाब से मोल्ड कर लेती है खुद को, उस हिसाब से मोल्ड लेती है कि भाई अगर हमारे लिए ये डिसीजन सही साबित नहीं हो रहा है तो हमें दूसरे की तरफ चलना चाहिए, ठीक है। तो जो वो कंपनी के लिए अच्छा है, कंपनी के लिए बेटर है, उस डिसीजन पर वो मोल्ड हो जाती है, ठीक है। एंड उसी डिसीजन पर रहने के लिए उसको बहुत सारे फैक्टर्स की सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है, जिससे वो अपने जो भी प्लान है उसके उसको स्मूथली कर सके। एंड इसमें हमारे आ जाते हैं वैल्यू सिस्टम, प्लान, पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्स। जैसे अभी हमने देखा इंटरनल एनवायरमेंट में, सो वैल्यू सिस्टम हर एक पर्टिकुलर कंपनी का अपना अलग अलग होता है, प्लान्स, पॉलिसी। अब मान लो भाई दो कंपनी है, ए बी लिमिटेड और एक्स वाई लिमिटेड, ठीक है। तो इसके जो प्लान्स होंगे फ्यूचर को लेके, ठीक है, अब वही प्लान्स एक्स वाई के नहीं होंगे, ठीक है। हर एक कंपनी के अपने अलग अलग प्लान्स एंड पॉलिसीज होती हैं। ह्यूमन रिसोर्स अपना अपना इंटरनल एनवायरमेंट सबका होता है, ठीक है। जैसे ए बी लिमिटेड है उसमें दो लोग काम करते हैं, सी और डी, ठीक है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स किसके हो गए, ए बी के हो गए। एक्स वाई लिमिटेड है उसमें एफ और जी वर्क करते हैं, ठीक है, तो ये इनके ह्यूमन रिसोर्स हो गए। तो इस तरीके से एनवायरमेंट रहता है, ठीक है, इंटरनल एनवायरमेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा बिल्कुल क्या होता है इंटरनल एनवायरमेंट। देन सेकंड हम देखेंगे एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस यूनिट। अब भाई देखो इंटरनल तो जरूरी है बिजनेस को चलाने के लिए, बट एक्सटर्नल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सटर्नल भी बहुत सारी चीजें बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। एक्सटर्नल एनवायरमेंट मींस दोज फैक्टर और फोर्सेस व्हिच रिसाइड्स आउटसाइड द बिजनेस बट हैज इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। देखो वो फैक्टर जो बिजनेस के बाहर रहते हैं, ठीक है, आउटसाइड रहते हैं, बट वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे तरीके से अफेक्ट करते हैं, उसके फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं, वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। As these forces reside outside, does not have control over them. अब देखो भाई यहाँ पर बोला कि outside हैं ये factors business organization के, तो business organization का इस पर कोई भी control नहीं रहता है, वो उसको control नहीं कर सकती अपने हिसाब से, ठीक है। The environment factor are of two type known as micro environment और macro। जैसे अभी हमने देखा micro में supplier, customer, competitor और market intermediaries आ जाएंगे एंड मैक्रो में डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट हो जाएगा। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि भाई अलग अलग ग्रुप्स में सेगमेंट करके जो टारगेट ऑडियंस होती है, ठीक है, जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट है उसके ऑडियंस जो है, उसके कस्टमर्स जो है वो चिल्ड्रंस है, कोई भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो मतलब कस्टमर्स हैं वो
बुजुर्ग लोग हैं, एजेड लोग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो इन सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट करती हैं, उन फोर्सेस को हम एक्सटर्नल फोर्सेस बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। देन हम देखेंगे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है? Environment is surrounding around the business with which business is able to move, function smoothly and regularly and continuously. तो देखो यहां पर मान लो एक कंपनी है ए बी, ठीक है। अब ये ए बी कंपनी जहां पर है इसके आस पास जो है वो इसका इन्वायरमेंट है, इसकी सराउंडिंग है, ठीक है। इसका आस पास जो है वो इसकी सराउंडिंग कहलाएगा। अब वो सराउंडिंग ही बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है, ठीक है। तो बिजनेस के आस पास की जो चीजें हैं जो उसको हेल्प करती हैं कि वो कंटिन्यूअसली रेगुलरली स्मूथली वर्क कर सके, ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट कहलाता है। Here scanning means looking into all aspects of environment part. Scanning का मतलब यहाँ पर क्या है? Scanning का मतलब है कि जितने भी environment के aspects हैं उन सारे aspects को यहाँ पर देखना। And then देखेंगे importance of environmental scanning. Environmental scanning क्यों की जाती है, क्या importance है इसके? First है identification of strength. देखो SWOT analysis के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। SWOT analysis कोई भी business organization करती है। SWOT का मतलब यहाँ पर क्या है? S for strength, W for weakness, O for opportunity and T for threat. तो यहाँ पर आपके जो strength और weakness है वो आ जाते हैं internal, ठीक है, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो उसके इंटरनली उसको कर सकता है, ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स जो है वो आ जाते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पता लगेगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके प्लस पॉइंट्स क्या है, ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट स्कैनिंग से पता लगता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का पता होना जरूरी है, ठीक है, एंड वीकनेस का पता होना भी उतना ही जरूरी है। सेकेंड वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन्वायरमेंट स्कैनिंग करने से ये पता लगता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या वीकनेसेस है, ठीक है। जब वीकनेस का पता लगेगा तभी तो उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी कोई वीकनेस ना हो, सारी स्ट्रेंथ ही हो, है ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर जो वीकनेस है उनको पहचानना, ठीक है, एंड देन उनको सुधारने की कोशिश करना। देन थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? अपॉर्चुनिटी होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, जिनको पहचान कर उनको ग्रैब करना होता है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज को पहचानना जरूरी है, वो किसके थ्रू पहचानी जाएंगी? इन्वायरमेंट स्कैनिंग से। एंड देन नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट। थ्रेट का मतलब खतरा, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो उसके साथ साथ खतरा भी होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी चीजों से। तो जो खतरे होते हैं वो मतलब अगर इंटरनली होगा उसको तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करके संभाल लेगी, बट अगर एक्सटर्नल है तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर वर्क करना पड़ेगा। एंड देन नेक्स्ट इज इफेक्टिव प्लानिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग से क्या होता है, जो प्लानिंग होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। इन्वायरमेंट स्कैनिंग से क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, सर्वाइव करेगा कैसे? अब देखो भाई SWOT एनालिसिस से पता लग गया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रेंथ पता लग जाएंगी, वीकनेस पता लग जाएंगी, उसको इम्प्रूव करके और बेटर करेगा, ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेगा जब पता लग जाएंगी, तो इससे क्या होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस होते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग को कैसे करते हैं, किन टेक्निक्स को यूज करके करते हैं? देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्निक्स आर एक्सप्लेन एज फॉलोज। कुछ टेक्निक यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर गिवन है, बाकी बहुत सारी टेक्निक्स यूज की जाती है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग को करने के लिए। फर्स्ट यहाँ पर है फोकास्टिंग। फोकास्टिंग का मतलब क्या होता है? फोकास्टिंग का मतलब होता है कि जो फ्यूचर है
उसको एस्टिमेट करना कि भाई फ्यूचर में ये हो सकता है, फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना, उसको फोकास्टिंग बोलते हैं, पहले से अनुमान लगा लेना, ठीक है। फ्यूचर के लिए मतलब कि आगे क्या होगा उसके लिए पहले से सोचना, उसको फोकास्टिंग बोलते हैं। देन सेकेंड है सिनेरियोस, क्या सिचुएशंस रहेंगी, ठीक है, वो सिनेरियोस हो जाएंगे। एंड देन थर्ड इज स्पाइंग। स्पाइंग जो होती है वो भी एक टेक्निक है एनवायरमेंटल स्कैनिंग की, स्पाई करना, ठीक है, जासूसी करना, ठीक, जो भी फैक्टर्स हैं या जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उन चीजों को देखते रहना, उन चीजों की जासूसी करना, ठीक है, स्पाई करना उन पर कि क्या सिचुएशंस है, ठीक। एंड देन नेक्स्ट इज गैदरिंग वर्बल इंफॉर्मेशन। वर्बल का मतलब जो इंफॉर्मेशन ऐसे ही बोल कर मिलती है, ठीक है, तो वर्बल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना एंड देन उससे एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना कि भाई अगर हमने कोई बात ऐसी सुनी है जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है बिजनेस पर, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज क्वेस्ट, क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक। इसको हम बोलते हैं क्वेस्ट, यानी कि क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक, जो सबसे ज्यादा तेज टेक्निक होती है एनवायरमेंट को स्कैन करने की। सो ये सारी कुछ टेक्निक्स होती हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग की, एंड बहुत सारी टेक्निक्स यहाँ पर यूज की जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिससे एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो आज की वीडियो में हमने देखा फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में कि किस तरीके से फॉर्मुलेट होती है स्ट्रैटेजी। देखो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, उन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी बनानी होती है, मतलब प्लान बनाने होते हैं, ठीक है। सो इसमें हमने सबसे पहले देखा इंट्रोडक्शन क्या होता है एंड देन बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, कंपोनेंट यानी कि पार्ट्स क्या है बिजनेस एनवायरमेंट के इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उसके बाद इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है एंड इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के क्या टेक्निक्स होते हैं। सो आई होप सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।